दरवाजा खोल। अरे दीदी मैं होमवर्क कर रही हूँ, तुम खोलो ना। मैडम जगत नारायण जोशी के लिए रजिस्टर लेटर है। जी कौन है? बाबूजी आपके लिए रजिस्टर चिट्ठी। कहाँ? 8 नंबर। ओके उसके साथ। अब सच्चाई कॉलेज जाने की क्यों करती थी? खून घातक चल रहा था तेरा। हाँ से तेरा कॉलेज जाना बंद। अब अगर घर से बाहर निकली तो टांगे तोड़ के रख दूंगा। नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर वाकई किशोर ने वो तस्वीर, वो कविताएं बाबूजी को दिखा दी तो वो तो मेरा घर से बाहर निकलना ही बंद कर देंगे। कौन यकीन करेगा मेरा कि मेरा किशोर से कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं उससे वो तस्वीर। सुचेता, हेल्प मी सुचेता। क्या भास्कर, तुम भी बिल्कुल प्रोफेसर के स्टैंडर्ड क्लीशेस यूज करते हो। एब्सेंट माइंडेड होने के बिना तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। नहीं, नहीं। तुम मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही हो। मैं कुछ भूला नहीं हूँ। कॉलेज में सोशल शुरू होने वाला है। सोशल? अब कॉलेज में सोशल शुरू होने वाला है मतलब अब कॉलेज की एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगे। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप शादीशुदा हैं, आपकी एक बीवी है, रोज आपका इंतजार करती है। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट फेयर सुचेता, यू आर नॉट बीइंग फेयर। नहीं 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 नहीं, तुम्हें ये पता होना चाहिए सुचेता कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। अच्छा? मैं तुम्हें पढ़ाते वक्त भी याद करता हूँ। और शायद तुमने जानते कि कॉलेज के प्रोफेसर्स का क्या कहना है। क्या कहते? प्रोफेसर्स का ये कहना है कि भास्कर यार तुम तो बहुत ही रोमांटिक आदमी हो, तुम्हारी शादी को 7 साल होने वाले हैं। 8। 8 इतना तो याद रखा करो। अच्छा बताओ तुम क्या कह रहे थे सोशल के बारे में। हाँ, इस बार मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। मैंने सोशल की जिम्मेदारी ऐसी लड़की को सौंपी है जो बिल्कुल गुमसुम रहती है, कुछ नहीं बोलती है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है। वरना आजकल के बच्चे तो कमाल के होते हैं। आजकल तुम्हें बच्चों के साथ काम करने में बहुत मजा आता होगा ना? मुझे भी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बस अब कुछ ही महीनों की बात है सुचेता, उसके बाद हमारे घर भी बच्चे आएंगे, बच्चों की भीड़ आएगी। और ये जो इतना बड़ा बच्चा संभाल रही हूँ इसका क्या होगा? दूसरा बच्चा आएगा तो मेरा क्या हाल होने वाला है? ओह गॉड। अच्छा सुनो प्लीज, आज घर टाइम पे आना। हाँ, 5 बजे के पहले बंदा घर पे हाजिर हो। भूलना मत। भूलूंगा कैसे, 7:30 की अपॉइंटमेंट है। 6:30। ओके 6:30। 6:30। भास्कर, भास्कर मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। सुचेता सुचेता सुचेता, क्या हुआ तुम्हें? क्यों डर लग रहा है? किस बात से डर लग रहा है तुम्हें?
मैं हूँ और टेस्ट बहुत आसान होते हैं आजकल। टेस्ट से थोड़ी डर लग रहा है। उसके बाद पास कर बच्चे के वक्त मैं मम्मी को जरूर बुलाऊंगी। और पता है बच्चा तो तुम्हारे ऊपर जाने वाला है। इसके बारे में बहुत ही रोमांटिक होगा। हाँ, बिल्कुल, बस चांस चाहिए। कॉलेज नहीं जाना। चश्मा पहनना होगा। हाँ, बढ़िया ना। नहीं छोड़ूंगा तो क्या? अरे, नहीं छोड़ूंगा तो क्या? हेलो, हेल्प मी। कॉलेज तक मुझे जाना है। All right. Bye. See ya. Bye. Bye. यार कॉलेज का टाइम तो हो गया, लेकिन तेरी वो सीधी सादी शर्मिली सुधा का कोई आता पता नहीं। अभी तक तो आई नहीं हूँ। अरे आएगी यार, आएगी। आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ? आखिर कॉलेज तो नहीं छोड़ देगी ना? अबे कोई भरोसा नहीं लड़कियों का, मेरे केस को देख ले। पहले दिन काम्या मुझसे ऐसे मिली जैसे हमारी बरसों पुरानी दोस्ती हो, और दूसरे दिन मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। तू क्या बोलेगा? देखो तेरा तू जाने, मुझे जो बोला ना मैं सुधा जोशी से बोलूंगा। उसे एक बार बस आ तो जाने दे, फिर देखना बेटा हम भी कुछ कम नहीं है। अड्डा यहीं जमा कर बैठे हैं ना। यस। और मर गई भास्कर सर, भास्कर सर। मॉर्निंग। क्या जनाब? मॉर्निंग सर। क्या चल रहा है? नहीं सर, बस अभी यहाँ बैठने आए थे सर। अच्छा, मेरे साथ आइए। हाँ सर, आप चलिए, मैं अभी आपके साथ आऊंगा। क्यों, आप यहाँ चलो। वो चल 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 आजा। तो साहब कॉलेज का सोचना शुरू हो रहा है, कुछ कर रहे हैं आप? सर मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है सर। अच्छा, किताबों से जरा बाहर निकलिए आप, लोगों से घुलिए मिलिए, बोलो अपने आप को भाई। सर आपको मुझसे कुछ काम था? हाँ, मैंने एक अनजान लड़की को सोशल का इंचार्ज बनाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी मदद करो। सर मेरे पास इन सब चीजों के लिए कहाँ टाइम है सर? देखो सुधा जोशी जैसी सीधी सादी लड़की को इंचार्ज बना के रिस्क ले रहा हूँ मैं, तुम समझते क्यों नहीं हो? सर क्या नाम है अपने सर? सुधा जोशी, बहुत सीधी और शांत लड़की है, पता नहीं उनसे होगा नहीं होगा इसीलिए। सर अगर आप कहते हैं तो सर मैं सुधा जोशी को हेल्प करने के लिए तैयार हूँ सर। नहीं जबरदस्ती नहीं है, तुम नहीं करना है तो मत करो, मैं मनोज को बोल देता हूँ। नहीं 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 सर, मैं करता हूँ ना सर, इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर। बेटर बी। गुड मॉर्निंग कामिया। सर मुझे आपसे बात करनी है। या श्योर। हाँ अकेले में? ठीक है सर, मैं आपसे बाद में मिलूंगा सर। काम 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 है, काम है। सुधा जोशी अब फंसी ना? मुझे कॉलेज फंक्शन में काम नहीं करना है सर। क्यों, क्या हो गया? बस काम नहीं करना। काम तो करना पड़ेगा काम, या नहीं तो कॉलेज फंक्शन फीका पड़ जाएगा। फीका क्यों पड़ जाएगा? सुधा जो है तो ये वजह है पार्टिसिपेट ना करने की। देखिए वजह चाहे कुछ भी हो, मुझे काम नहीं करना। मैं कहूंगा तब भी नहीं करोगी? मैं चलती हूँ सर। रुको, जवाब दीव ना, कहाँ जा रही हो? ओके कामिया, मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूं। इस फूल को मैं यहां रखता हूं, अब अगर तुम इस फूल को उठाती हो तो मैं समझूंगा कि तुम मेरी बात को मान गई हो, अगर तुम इस फूल को नहीं उठाती हो तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे कुछ भी नहीं समझती हो। ओके, दैट्स बेटर। कामिया तुम्हें सुधा से प्रॉब्लम हो रही है? तुम हो कामिया, सुधा सुधा है। तुम सुधा वाला काम करोगी तो फिर स्टेज पे कौन काम करेगा?
सुधा को स्टेज के पीछे का काम करने दो काम्या, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम उस काम में उसकी मदद करो। हेल्प हर आउट प्लीज प्लीज। ओके थैंक यू। यू आर वेलकम। वेल कैरी ऑन। यप। मुझे पता था तुम यहीं बैठी होगी। अकेले बैठी यहाँ क्या कर रही हो? हाँ कुछ नहीं बस। अकेले बैठे बोर नहीं हो जाती हो? हाउ स्ट्रेंज यू आर। अच्छा सुनो, जो सर ने तुम्हें ऑर्गेनाइजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। सीरियसली बिलीव मी, सच बोल रही हूँ। आई हेल्प यू ऑल्सो। हैप्पी? पता है भास्कर सर ने आज मुझे फिर फूल दिया और तुम कह रही थी कि गलत फहमी है। गलत फहमी दो बार थोड़ी होती है। आई एम वेरी श्योर कि भास्कर सर मुझे प्यार करते हैं। क्या सर ने तुझे ऐसा बोला? तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तुमने किसी से प्यार किया हो तो ना। अच्छा सुधा, मेरा काम करोगी, मुझे कुछ रोमांटिक लाइन्स लिख के दोगी? किस लिए? देखो सर ने तो अपनी फीलिंग जाहिर कर दी, मैं सोच रही हूँ एक ग्रीटिंग कार्ड पर ये लाइन्स लिख कर उन्हें दूँ। ठीक सोच रही हो ना? देखो काम्या, मुझे इन सब बातों में इन्वॉल्व मत किया करो प्लीज। मैंने इतनी बड़ी बात क्या कह दी है? यही तो कहा है कि कुछ लाइंस लिख के दे दो। तुमसे नहीं लिखा जाता तो मत लिखो, मैं तुम्हारी डायरी से कॉपी कर लेती हूँ। प्लीज गिव इट टू मी। मैंने कहा ना काम्या, प्लीज मुझे इन सब बातों में इन्वॉल्व मत किया करो। कम ऑन, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड और ऐसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी डायरी से लाइंस लेकर ही मानूंगी। नहीं काम्या, डोंट बी फनी यार, जस्ट गिव इट अप। क्या है काम्या? ओ ऐसा भी है काम्या, तुम जो समझ रही हो वो नहीं है ये। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, मेरे दिल में जो कुछ होता है मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता देती हूँ और तुम होगी हर चीज छिपाती हो। एटलीस्ट इस फोटोग्राफ ने तुम्हारी असलियत तो बता दी, सीधी सादी भोली सी सिंपल सी लड़की। यू आर अ हिपोक्रेट, कीप इट। काम्या मेरी बात सुनो काम्या, तुम बात नहीं समझ नहीं रही हो काम्या। ठीक से चलानी भी नहीं आती। जब गाड़ी चलानी आती नहीं है तो तुम लोग गाड़ी चलाते क्यों? गलती मेरी नहीं थी मैडम। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। आप सुधा से मिलने आए ना? हाँ लेकिन आप? आपका वेट कर रही है। मेरा वेट कर रही है? क्लास में अकेली। एनीवे ओके बाय, ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे बता सकते हैं कि आपका सुधा के साथ रिलेशन क्या? मेरा रिलेशन सुधा के साथ? मैं उसका मित्र हूँ। वाओ क्या बड़ी अजीब लड़की है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसने मुझे आज तक नहीं बताया। एनीवे नाइस मीटिंग यू, सेम हियर, ऑल द बेस्ट, बाय। सुधा इज अमेजिंग, कुछ भी नहीं बताती है यार, शी इज क्रेजी।
पता नहीं मैं खाम खाई उससे नाराज हो गई। आई एम गोइंग टू सरप्राइज हर। यस। शायद मेरी वार्निंग को मजाक समझा था, है ना? मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। हे, आई मनोज। चल भाई। जस्ट वेट, रुक जाओ, इधर आओ। मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? देखो कामे, क्या है ना कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। हटा सावन की खटा वाला हिसाब है अपना। तो एक बार दोस्ती करता हूं तो फिर रंग नहीं बदलता। मैंने कुछ किया? तू भूल गई कल की बात? कौन सी? उस बात को लेकर अभी तक आई वाज जस्ट इन अ वेरी सी आई एम लाइक दिस ओनली। देखो सुबह से मेरी सुबह लड़ाई हुई, इंस्टेंटली आई रियलाइज्ड, अपोलोजाइज करने जा रही हूं। वेरी गुड। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो, उसका फियांसे भी उससे मिलने आया है। सुधा इज एंगेज्ड? बेचारा शेखर। क्या? नहीं कुछ नहीं। एक कामिया, देख सुधा को उसके मंगेतर के साथ तो अकेला छोड़ देना, हम लोग कैंटीन वैंटीन चलते। चल नहीं, तुम जाओ। आई वांट टू सरप्राइज हर, शी विल बी वेरी हैप्पी। बाय। मुझे जाने दो प्लीज। ये जगह क्या बुरी है? और अगर किसी दूसरी जगह जाना है तो तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा। Get lost!